गद्दार है। अरे गद्दार की हो तो समय बताई, तोहर मुद्दा ना मुद्दा पर रहल उपेंद्र जी। आज माननीय उपेंद्र जी के कारण जे मुल्क में संघीयता बा, आज कोई अधिकार आई जौन जौन आज जौन की अगर मुल्क में संघीयता आइल बा तो मधेस आंदोलन है, ओकर नेतृत्व करता माननीय उपेंद्र जी होने में कहीं संगा नहीं। उस पर लड़ाई अपने के हुए एमाले से ही, एमाले से तो लड़ाई तो केहू से नहीं, ना पुरुषोत्तम पौडेल जी से बा ना अपने के शिवचंद्र कुशवाहा जी से, कोई से लड़ाई कोई से नहीं, एकदम भारी बहुमत से जीत रहा बा। लेकिन अब स्वाभाविक है जे प्रतिस्पर्धा बा, डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा होला, प्रतिस्पर्धी जे बा ओकरा के सम्मान कइल जाला। चुनाव हो, अब जब तक परिणाम नहीं खे आवत तो सबके लड़े के हक बा, सबके सब स्वाभाविक बात बा जे चुनाव लड़े ला तो लोग तो यहाँ तो ना कही जे भाई तोरा के हम वोट ना दें, तो ऐसे कोनो भी तरीका से कहल जाओ तो माननीय उपेंद्र जी के कोनो किस्म के कंपटीशन नहीं खे, जीत निश्चित बा। लाल बाबू जी एक और सवाल उठ रहा बा कि 12-2 के अगर कोनो यहाँ के लोकल उम्मीदवार रहे जसपा ओर से चाहे सत्तारूढ़ गठबंधन ओर से तो हमनी के ओकरा के भरपूर सपोर्ट करते सर, लेकिन उपेंद्र जी सप्तरी में चुनाव हारला के बाद में वहाँ सत्ता आ मंत्री बने खातिर ई 12 में चुनाव लड़े आयल बने। देखी का बा जे आरोप प्रत्यारोप ई चुनाव के मैंने दौरान में बहुत किस्म के होला, एकरा पछाड़ी ना जाए के यहाँ बात नहीं, सब बात नहीं। उपेंद्र जी का बहरिया कैंडिडेट नहीं, नहीं नहीं देखिए उपेंद्र जी के एक ऐसा व्यक्तित्व बा, एक पर्सनैलिटी बा जी कि अभी अच्छा कंपटीशन करे वाला राम सरोज जी राम किशोर जी आज उपेंद्र जी के साथ बढ़े, शायद उपेंद्र जी के जैसा पर्सनैलिटी ना रही तो रोशन जी लोग आज साथ बा उ ना रही लोग। नेपाल में आगामी 10 गते होखे वाला उपनिर्वाचन में अपने के 3 गो जिला में चुनावी सरगर्मी बढ़ल बा, 12 चितवन और तनहू। 12 के 2 के निर्वाचन क्षेत्र में अपने के बड़की फुलवरिया गांव पड़ेगा। जसपा के ओर से जसपा के अध्यक्ष जी ही उपेंद्र यादव जी उम्मीदवार बानी प्रतिनिधि सभा सदस्य के, आ वहाँ के चुनावी कैंपेनिंग गांव घर में चल रहा बा, यही विषय में हमनी के मुलाकात भइल बा मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत जी से, यहाँ से हमनी के संवाद होके जा रहा बा। नमस्ते, स्वागत बा। धन्यवाद बा। बताइए कि जे चुनावी कैंपेनिंग केंगे चल रहा बा, कितना उत्साह? बहुत बहुत बढ़िया बा, यहाँ के लोग में बहुत उत्साह बा, यहाँ के लोग हमनी के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र जी के भारी बहुमत से जीता रहा बा, लोग सब जनता में उत्साह बा। कहीं ना कहीं अपने के सत्तारूढ़ गठबंधन के साझा उम्मीदवार भइला के चलते भी लोग कह रहा बा बाघ बकरी के लड़ाई। बिल्कुल सही बा जे एकदम, अब पहले से भी हमनी के ये जगह में हमनी के संगठन के अवस्था अच्छा ही रहे तबे हमनी के यहाँ से जीतल भी बानी सन। हमनी के ये प्रदेश के सदस्य के रूप में माननीय बच्चा यादव जी रहनी, अपने के ये जगह से हमनी के जीत रहनी सन। अपने के पता भइले बा जे माननीय राम साहे जी अभी उपराष्ट्रपति भइल बानी, वैसा ही पहले के 74 के चुनाव में माननीय सरदार शंकर साहे जी रहनी, बीच में अब सीट बांट फाँट में उनका नाम मिल रहा है, फिर वो भी आइल बानी। तो ये तो हमनी के पार्टी के इंटरनल स्ट्रेंथ हो गई, एकरा बावजूद भी ये जगह में एक मजबूत पार्टी के रूप में रहल नेपाली कांग्रेस, ओकरा साथ साथ नेकपा माओवादी केंद्र अलावा भी अपने देखत हो केम कि हमनी के पार्टी के नेता रहल राम किशोर जी, आज राम किशोर जी अध्यक्ष जी के साथे साथे बढ़े, तो ऐसे अच्छा वोट ले आ रहे राम किशोर जी, अपने देख लो हम करीब करीब हमारा बुझाता जे 11,000 से ऊपर वोट रहे, एकरा बावजूद भी अपने देखत हो कम जे स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में रोशन यादव जी आज भी वो अध्यक्ष जी के साथे साथ बालू, तो ए हिसाब से लग रहा बा। मतलब कि अध्यक्ष जी खातिर फील्डिंग सेट बा पहले से एकदम फील्डिंग का, अब अध्यक्ष जी के व्यक्तित्व और उनकर जौन एगो पर्सनैलिटी बा इतना अगाड़ी बा, सबके सहयोग बा। यहाँ सत्तारूढ़ गठबंधन के तो साझा उम्मीदवार भइबे कहनी, पार्टी के संगठनात्मक जौन अवस्था बा वो भी यहाँ अच्छा बा, और विगत में भी ये क्षेत्र से स्वतंत्र रूप से लागल 2 गो प्रमुख व्यक्ति
अपने के रामकिशोर जी या रोशन जी दोनों साथे वालों ऐसे इस क्षेत्र में कोनो हमरा नहीं क्या लागत जे कोनो किसी का प्रतिस्पर्धा बा। हमरा तो अभी ये बुझाता कि हमने के डबल मत से आगाड़ी बानी उकरा से भी ज़्यादा हुई। अपने के 1,05,000 जितना मतदाता बालों के क्षेत्र में कितना मत उठावे के चांस अब क्या बाजी। अब पोलिंग अब ये क्षेत्र के हमारू में बाजी अपने के 60-70% से ज़्यादा ना हुई तो ये अपने के यहाँ करीब करीब हमरा बुझाता जो 30,000 के आसपास रहे। 30,000 के हरा 12-2 के क्षेत्र के ही कुछ मतदाता लोग के इस चीज़ के कहना बा कि जो अपने के चुनाव बाघ बकरी के लड़ाई बा, जीते भी जाता नहीं उपेंद्र जी लेकिन तानका सा सस्पिशन बा। सी के राउत के जनमत पार्टी अपने के वही लेखा अपने के एमाले के पुरुषोत्तम पौडेल रमेश खरेल के आगिल बानी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से अरुण गेवाली आम जनता पार्टी से लगाए विभिन्न 4-5 आदमी कैंडिडेट बा, थोड़ा सा सस्पिशन बा एक पर कोई देखिएगा सस्पिशन तो वो जीत में तो कोनो हिले नहीं किए रहल बात की। अब सेकेंड में हमरा बुझाता है जो नेकपा एमाले के ही पुरुषोत्तम पौडेल जी गई ऐसे कि वो संगठन वाला पार्टी है बाकी कोनो कंपटीशन में नहीं खे हमरा नहीं खेला। जसपा के लड़ाई अपने के वो एमाले से ही एमाले से तो लड़ाई लड़ाई तो केहू से नहीं खे लड़ाई ना। अब अपने के ना पुरुषोत्तम पौडेल जी से बा ना अपने के शिवचंद्र कुशवाहा जी से कोई से लड़ाई कोई से नहीं खे एकदम भारी बहुमत से जीत रहा बा। लेकिन अब स्वाभाविक है जो प्रतिस्पर्धा बा डेमोक्रेसी में लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा होला आप प्रतिस्पर्धी जे बा ओकरा के सम्मान कइल जाला चुनाव हो। अब जब तक परिणाम नहीं खे आवत तो सबके लड़े के हक बा सबके सब स्वाभाविक बात बा जे चुनाव लड़ेला तो लोग तो यहाँ तो ना कही जे भाई तोरा के हम वोट ना दें तो ऐसे कोनो भी तरीका से कहल जाऊँ तो माननीय उपेंद्र जी के कोनो किस्म के कंपटीशन नहीं खे जीत निश्चित बा। लाल बाबू जी एक और सवाल उठ रहा बा कि 12-2 के अगर कोनो यहाँ के लोकल उम्मीदवार रहे जसपा ओर से चाहे सत्तारूढ़ गठबंधन ओर से तो हमनी के ओकरा का भरपूर सपोर्ट करते सर लेकिन उपेंद्र जी सप्तरी में चुनाव हारला के बाद में वहाँ सत्ता आ मंत्री बने खातिर 12 में चुनाव लड़े आयल बने। देखी का बा जी आरोप प्रत्यारोप चुनाव के मैंने दौरान में बहुत किस्म के होला एकरा पछाड़ी ना जाए के यहाँ बात नहीं सब बात नहीं। उपेंद्र जी का बहरिया कैंडिडेट नहीं नहीं, नहीं नहीं देखे उपेंद्र जी के एक ऐसा व्यक्तित्व बा एक पर्सनैलिटी बा जी कि अभी अच्छा कंपटीशन करे वाला राम सरोज जी करे राम किशोर जी आज उपेंद्र जी के साथ बढ़े शायद उपेंद्र जी के जैसा पर्सनैलिटी ना रही तो रोशन जी लोग आज साथ बा उ ना रही लोग तो बहुत सारा लोग बा जौन कि आज माननीय उपेंद्र जी के नाम पर जो सहयोग कर रहल बा तो इतना रही तो ऐसे कहे खातिर कोनो किस्म के आरोप प्रत्यारोप लगावे खातिर कुछ भी कहल जा सकता है। चुनाव हो चुनाव में सबकर लोकतांत्रिक अधिकार होला सबके बारे में कमेंट करे के टिप्पणी करे के ऐसे बा चूँकि कि पहले ही सब लोग डिक्लेयर कर दीजिए जीता तारे तो लोग काहे कॉम्पिटिशन में रहे सब लोग उम्मीद बा। लेकिन अपने लोगों के विश्वास बा कि जनता बैलेट से जवाब दे नहीं नहीं बैलेट के चुनाव तो भारी बहुमत से जीत रहा बा जवाब केहू के काथी दे जवाब। अब लोकतंत्र में स्वाभाविक बात बा जे अब सबके प्रतिस्पर्धा करे के अधिकार होला वो में भी नेकपा एमाले जैसे पार्टी और नेपाल के एक पुराना पार्टी संगठन भइल पार्टी अभी भरकर भरकर आयल सीके जी के पार्टी अभी तो उस संगठन के अभी अभी संरचना भी निर्माण नहीं है लेकिन पहले के उपेंद्र जी के गद्दार कह रहा बनी मधेश के गद्दार है। अरे गद्दार के है तो समय बताई तोहर मुद्दा ना मुद्दा पर रह उपेंद्र जी आज माननीय उपेंद्र जी के कारण जो मुल्क में संघीयता बा आज ई कोई ई अधिकार आई जौन 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 ई किस्म के जौन आज जौन कि अगर मुल्क में संघीयता आइल बा तो मधेश आंदोलन है ओकर नेतृत्वकर्ता माननीय उपेंद्र जी होने में कहीं संगा नहीं खे। लेकिन पूछी जे हमने के माननीय सीके जी से पूछी कि तू काथी से तोहर मुद्दा का तोहर तो मुद्दा है जे स्वतंत्र मधेश तो आज कहाँ बा कभी तोहर मुद्दा रहल कि कोठरी के बाहर मतदान देवे के तोहर मुद्दा कहाँ बा तोहर मुद्दा आज भी कोनो किस्म के ना कोनो किस्म के एजेंडा पर आधारित बा। हाँ गाली देके चाहे वो जसपा के गाली देश कि अन्य दल के गाली देश चाहे माननीय उपेंद्र जी के गाली देश तो वो स्थिति बा। रहल बात कि माननीय उपेंद्र जी के
उ जनमत के वोट से थोड़े बढ़े, विभिन्न किस्म के बाहर भीतर सब किस्म के वहाँ लोग के प्रभावित करके बहुत सारा कारण रहल, एकरा में तफसील के गैल जोरी नहीं खे। लेकिन सी के राउत के कल भी हैसियत ना रहे हराबे के, आज भी नहीं खे। लेकिन अब मान लीजिए अब चुनाव है, प्रतिस्पर्धा है, अब आ गईला पर चुनाव में क्या परिणाम तो ओकरा के स्वीकार करे के पड़ला। सत्तारूढ़ गठबंधन दल के यहाँ के स्थानीय कार्यकर्ता नेता लोग के एगो चीज का बा कि जे उपेंद्र जी के गठबंधन सत्तारूढ़ के केंद्रीय तह के नेता लोग अपने काठमांडू में कोई लेबा, हमने गांव में काहे वो अपने के निर्णय के स्वीकार करे सन, ऐसे अपने के लागत है कि जे चुनाव के बेरा कहीं घात होके संभव नहीं? नहीं नहीं, सुनिए एक बात करे, अपने देखो तो के हम कि सत्ता अभी माधव नेपाल जी नेकपा एकीकृत समाजवादी के खुद आके कहलें, यहाँ के जो स्थानीय नेता बा, कांग्रेस के जो जिला अध्यक्ष बा, सब लोग बा, सारे लोग आजकल ये चीज़ के स्वीकार कर रहल बा, सारा लोग आज किस्म के जो बात कर रहल बा ना, जे हमनी माननीय उपेंद्र जी के सहयोग करता आज देखो तो कि हम जे नेपाली कांग्रेस के झंडा बा, छता भी बा, तो ऐसे प्रमाणित होता है जो नेपाली कांग्रेस साथ बा। नेकपा माओवादी पहले से ही हमनी के सहयोग रहल बा, जब भी बैठक होता तो हमनी साथे साथे हमनी के अथी कर जाऊँ, हमनी के प्रचार प्रसार कर जाऊँ, हमनी के साथे साथे चलल जाऊँ, उस किस्म के बात हो। ऐसे कोनो किस्म के हमरा नहीं लागत कि यहाँ कॉम्पिटिशन बा, कोनो प्रतिस्पर्धा। चलिए बातचीत खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।